दिसंबर में सर्दी की सबसे ठंडी रात रही और भीषण शीतलहर से लोग परेशान हो गए हैं। 10 से 15 डिग्री की ठंड में घरों में लोग दुबकने को मजबूर है। लगातार ठंड बढ़ती ही जा रही है, ठंड का सितम लगातार बढ़ता ही जा रहा है और कोहरे के साथ ही हवा चलने से लोग कांप उठे हैं। कोहरे के प्रकोप से रफ्तार में भी ब्रेक लगा है, वाहनों की रफ्तार थम सी गई है और तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। तो ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें यहाँ पर ठंड का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है और साथ ही साथ कोहरे की मार भी लोगों पर पड़ती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है। उत्तर भारत में पहाड़ों पर पड़ रही बर्फबारी का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी तापमान में काफी गिरावट दर्ज की जा रही है। तो लगातार बढ़ रहा है सर्दी का सितम और आपको बता दें ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है और कोहरे की वजह से भी लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रही, साफ तौर पर आप देख सकते हैं विजिबिलिटी यहां पर काफी लो हो गई है जिसकी वजह से वाहनों की रफ्तार थम सी गई है। तो तस्वीरें उत्तर भारत की आपको बता दें, पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर साफ तौर पर मैदानी क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है। तो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कैसे सर्दी का सितम दिसंबर में बढ़ता हुआ नजर आया। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे रिपोर्टर लाइव जुड़ गए हैं। तबरेज हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए, विवेक कानपुर से जुड़े हुए और हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ेंगे। सबसे पहले रुख करेंगे विवेक का, कानपुर से हमारे साथ हमारे संवाददाता हैं। विवेक, आपसे जानना चाहेंगे कैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कितना तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। उत्तर भारत की बात करें तो लगभग सभी जगह पर विजिबिलिटी यहां पर कोहरे की वजह से काफी लो गई है, कानपुर में कैसी तस्वीरें हैं? विवेक, तो लगता है विवेक तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मेरठ से हमारे साथ हमारे संवाददाता नरेंद्र भी जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, मेरठ में कैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? नरेंद्र, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? इसकी बात करें तो यहाँ पर जो हालात हैं वो बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। कल तक जहाँ पर बहुत तेज धूप निकल रही थी, लेकिन अभी स्थिति ये है कि यहाँ पर कोहरा भी पड़ रहा है और देर रात से बारिश भी शुरू हुई है। और अभी हालात ये हैं कि जो बारिश हुई है उसकी वजह से कोहरा भी छाने लगा है धीरे धीरे और ठंड जो है वो एकाएक बढ़ गई है। तो अब स्थितियाँ जो हैं बिल्कुल जैसी दिसंबर के महीने में होती थी उसी तरह की जो हालात हैं वो बनने लगे हैं और इसका सीधा जो असर है वो आम जनजीवन पर पड़ा है। और अभी स्थिति यह है कि लोग जो है सड़कों पर बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहे हैं। सुबह जो मॉर्निंग वॉक को लोग निकलते थे वो भी आज नहीं निकले हैं। मनीष, बिल्कुल तबरेज का रुख करेंगे। तबरेज लखनऊ से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हैं। तबरेज, लखनऊ की अगर बात करें तो कल भी कहीं ना कहीं कोहरे का कहर देखने को मिला था, आज भी ऐसी ही लगभग तस्वीरें देखने को मिली है। मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है, क्या आने वाले दिनों में ऐसे ही हालात बने रहेंगे? यह देखिए, लखनऊ में जिस तरह से माहौल एकदम से बदला, जो मौसम अगर बात करें तो पूरे दिसंबर में 10 दिन जिस तरह से रहा है उससे अचानक से कल से जो मौसम था उसने काफ़ी ज़्यादा बदलाव लिया है। क्योंकि जो एक दिन में पारा है वो 5 लगभग डिग्री जो कम हुआ है, वहीं अगर अभी हम इस वक्त बात करें तो इस वक्त आपको मौसम हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ के ऊपर जो कोहरे की धुंध है वो पूरी तरह से सड़कों पर छाई हुई है। लोग अभी भी अपनी जो गाड़ियाँ हैं वो लाइटें जला के चल रहे हैं क्योंकि जो विजिबिलिटी है काफ़ी कम हो गई, जिसकी वजह से जो लोग हैं उनको चलने और निकलने में भी काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। हालांकि जो ठंड है उसमें काफी ज्यादा इजाफा हुआ है, साफ तौर पे जो गलन है उसको महसूस किया जा सकता है। लोग बड़ी संख्या में लोग जो सड़कों पे निकलते थे मॉर्निंग वॉक के लिए वो भी अब इस वक्त नहीं निकले हुए हैं क्योंकि जो ठंड लगातार बढ़ रही है। वहीं मौसम विभाग की अगर बात करें तो मौसम विभाग द्वारा लगातार बताया जा रहा है कि जो लखनऊ है उसके आसपास के जो इलाके हैं वहां पे अब ठंड लगातार बरकरार रहेगी और आज से लेकर कल तक के लगातार इसमें बारिश भी आसपास के जिलों, लखनऊ सहित आसपास के जिलों में बताया जा रहा है कि बारिश भी हो सकती है। वहीं लगातार जो ठंड है वो बढ़ती जा रही है और इसका असर साफ तौर पे आम जनजीवन पे देखने को मिल रहा है। बिल्कुल नरेंद्र, यहाँ पर अगर यातायात की बात करें तो मेरठ में यातायात पर कोहरे का क्या कुछ असर पड़ा है?
देखिए जो हाईवेज हैं वहाँ पर कोहरा काफ़ी अच्छा खासा है, जिसकी वजह से जो वाहन वहाँ से गुजर रहे हैं उनकी स्पीड काफ़ी कम है। कई जगह ऐसी भी सूचनाएं आई हैं कि कहीं हल्का फुल्का जो गाड़ियाँ हैं एक दूसरे से टकराई भी हैं, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम है, इसकी वजह से जो आगे वाली गाड़ी है वो पीछे वाले को दिखाई नहीं देती। और सड़कों पर भी कोहरा है, और इसकी वजह से जो खास करके शहर के इलाके हैं वहाँ पर भी लोग कम निकल रहे हैं। आज चूँकि शनिवार है इसलिए बहुत सारे लोगों का आज वीकेंड भी होता है, तो लोग जो हैं इस ठंड का लुत्फ लेने के लिए अपने घरों में ही हैं, और जो गर्म कपड़े हैं वो निकल आए हैं। ये बात सीजन में देखने को मिली है कि ये पहली बार है कि जो बाहरी गर्म कपड़े हैं वो लोग अब पहनकर निकलेंगे, और ऐसी स्थिति यहाँ पर बन गई है। तेज हवाएं भी चल रही हैं, आप मेरे पीछे जो पेड़ हैं उनको झूमते हुए देख सकते हैं। रात का जो टेम्परेचर था वो 10 से 11 डिग्री था, और अभी इस समय 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो समझा जा सकता है कि जो सर्द है जो पिछली रात है वो सबसे ज्यादा सर्दीली थी इस सीजन में, और अभी हालात ये है कि आज का दिन जो है वो भी बहुत ज्यादा सर्द रहने वाला है। बिल्कुल, चलिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से अवैध भी जुड़े हुए हैं। अवैध, आपसे जानना चाहेंगे कैसी तस्वीरें आप दिल्ली में देख पा रहे हैं यातायात पर, जो कोहरा है उसका क्या कुछ असर पड़ा है, और मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है आने वाले दिनों में, क्या हालात और ज्यादा बदतर हो सकते हैं? देखिए दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में आज सुबह में ही अच्छी खासी बारिश जो है वो दिल्ली के कई इलाकों में हुई है, जिसके बाद फिर कोहरा जो है वो छा गया, और अब क्योंकि बारिश के बाद मौसम थोड़ा सा सुहाना हुआ है तो लोग लगातार जो है वो यहाँ पे साइकिलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि विजिबिलिटी जो है वो भी थोड़ी सी कम हुई, 800 मीटर इस वक्त विजिबिलिटी जो है वो दिल्ली में है। अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 2 घंटे में दिल्ली के और NCR के कई इलाकों में भारी बारिश भी हो सकती है, और दिन भर मौसम जो है ऐसा ही बना रहेगा, और रुक रुक कर बारिश जो है वो हल्की हल्की होती रहेगी। दिल्ली के तापमान की बात करें तो दिल्ली का न्यूनतम तापमान जो है वो 11.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया सुबह में, और अधिकतम तापमान जो आज का रहने वाला है वो 25.8 बताया जा रहा है, जो अधिकतम तापमान जो होता है उससे 2 डिग्री सेल्सियस कम बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब दिल्ली में ठंड का असर जो है वो शुरू हो रहा है धीरे धीरे, और हल्की हल्की हवाएं जो हैं वो भी दिल्ली में चल रही हैं, तो एक तरह से आज की जो बारिश है वो दिल्ली में ठंड की दस्तक लेकर आई है। बिल्कुल, साफ तौर पर पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर साफ तौर पर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिला। लगातार हमारे साथ संवाददाता जुड़े हैं, आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे, और भारत समाचार आपको तस्वीरें भी दिखा रहा है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं तमाम शहरों की ये तस्वीरें हैं, जहां पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कैसे कोहरे की मार यहां पर कई शहरों पर पड़ी, और इसकी वजह से विजिबिलिटी भी काफी ज्यादा कम हो गई है। चलिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े विवेक, हमारे साथ हमारे संवाददाता कानपुर से जुड़े हुए हैं। विवेक, कानपुर के क्या हालात बने हुए हैं और कैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं यहां पर? देखिए मनीष, मैं आपको बता दूं कि कल जो है प्रचंड ठंड ने यहाँ पर जो है अपनी दस्तक दे दी है, और यहाँ पर जो है जो गर्म स्वेटरों की और जैकेटों की दुकानें थी उस पर भारी भीड़ देखी जा सकती है। यहाँ पर कल से सूर्य देवता ने जो है दर्शन तक नहीं दिए, और कोहरे का यहाँ पर जो है पूरी तरह से चादर ओढ़े हुए है यहाँ पर। और यहाँ पर अगर हम नगर निगम या प्रशासन की बात करते हैं तो ठंड में जो तैयारियां प्रशासन को पहले से कर लेनी चाहिए वो जो है जमीनी हकीकत पर नहीं दिखाई दे रही है। जो यहाँ पर चौराहों पर अलाव के करानी चाहिए, कंबल वितरण पहले से ही पहले होने चाहिए, उस तरह की यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही। प्रशासन का जो लचर लवैया हमेशा की तरह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो ठंड से मौतें होती हैं उसको लेकर यहाँ पर प्रशासन को पहले से तैयारियां कर लेनी चाहिए, कंबल वितरण कराने चाहिए, जिसको लेकर यहाँ पर जो है प्रशासन का सुस्त रवैया देखने को मिल रहा है, और जिसके चलते यहाँ पर ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और लोगों की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती जा रही है। बात करी जाए रैन बसेरों की तो रैन शहरों में भी कंबल वितरण नहीं हो रहे, और ना ही वहां पर लोगों को सही सुविधाएं मिल रही हैं। तो वक्त रहते अगर प्रशासन यहां पर नहीं जागरूक होता है तो आने वाले समय पर जो ठंड की जब मौतें होती थी उनका आंकड़ा बढ़ेगा, जिसका कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही विवेक देखने को मिल रही है। तबरेज यहां पर जैसा कि विवेक ने बताया कानपुर में कहीं ना कहीं प्रशासन लापरवाह बना हुआ है, और बड़ी लापरवाही प्रशासन की तरफ से देखने को मिल रही है। लखनऊ की अगर बात करें तो यहां पर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं ठंड को देखते हुए? जी देखिए, अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में जिस तरह से लगातार ठंड बढ़ती जा रही है, जिससे जो आम जन जीवन है कहीं ना कहीं वो अस्वस्थ हो रहा है। वहीं बात करें तो लखनऊ में जो प्रशासन है उसने जो अपने दावे करे हैं, अपने वादे जो करे हैं, उसमें साफ तौर पे कहा है कि रैन बसेरे बनाए जाएंगे, उसमें बिस्तर होगा और बेड डाली जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें तो लखनऊ में कई ऐसे रैन बसेरे हैं जहाँ के ऊपर जो व्यवस्था है उसके ऊपर कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठते हैं, क्योंकि कल शाम ही में रियलिटी चेक में एक
मैंने खुद रियलिटी चेक किया है तो उसमें साफ तौर पर देखने को मिला है कि जो रैन बसेरे वहाँ पे बेड जो डाली गई है वो गिनती की बेड है, और हालांकि जो रोड सड़क पे रहने वाले लोग हैं वो सड़क पे ज़्यादा संख्या में रह रहे हैं कंपेरिजन टू जो हमारे रैन बसेरे बनाए गए। वहीं अगर पुराने लखनऊ में बात करें तो पुराने लखनऊ में जो रैन बसेरे बनाए गए उसमें पयाल बिछी हुई है, पयाल के ऊपर दरी है जिसके ऊपर गोबर पड़ा हुआ है, कोई साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं करी गई है। तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्था और प्रशासन की तरफ से जो दावे करे जा रहे थे वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं फेल नजर आ रहे हैं। बिल्कुल तबरेज, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसा कि यहाँ पर कानपुर की बात की और यहाँ पर लखनऊ में भी नरेंद्र हमने देखा कि कहीं ना कहीं प्रशासन ने दावे किए थे, यहाँ पर रैन बसेरे बनाने के दावे किए गए थे, कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन फेल साबित होता हुआ नजर आया। नरेंद्र, मेरठ में कैसी तस्वीरें देखने को मिली, क्या कुछ इंतजाम यहाँ पर प्रशासन की तरफ से भी देखने को मिले? देखिए, प्रशासन और नगर निगम की तरफ से ये दावे किए गए हैं कि जो रैन बसेरे पिछले वर्षों से चले आ रहे थे उन रैन बसेरों में अच्छा इंतजाम किया गया है। इसके अलावा वहाँ पर एक कीपर भी रखा गया है जो वहाँ साफ सफाई और जो बाकी इंतजाम है, जो लोग वहाँ पर आते हैं उनके रजिस्ट्रेशन की सारी व्यवस्थाएँ देखेगा। लेकिन आज जो पहला दिन है इस सीजन का, सबसे ज़्यादा ठंड का, तो एक तरीके से आज नगर निगम और जिला प्रशासन का टेस्ट है, टेस्ट का डे है। तो आज शाम को मालूम पड़ सकेगा कि जो रैन बसेरे हैं वहाँ पर क्या हालात हैं और जो पहुँचने वाले लोग हैं वहाँ सुकून से रह पाते हैं या नहीं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में हर गरीब व्यक्ति को रैन बसेरों की ज़रूरत है, ख़ास करके वो लोग जो मजदूर तबके से हैं, फैक्ट्रियों में नौकरी करते हैं। इसके अलावा जो रिक्शा चलाने वाले जो लोग हैं उनको भी रैन बसेरों की आज रात को ज़रूरत होगी। तो आज रात को जो है टेस्ट होगा अधिकारियों का, ये देखा जाएगा कि वाकई जो रैन बसेरे हैं उनमें सहूलियतें उतनी हैं जितने दावे किए गए या फिर नहीं है। चलिए, दिल्ली से हमारे साथ अवैस भी जुड़े हुए हैं। अवैस, दिल्ली की अगर बात करें तो यहाँ पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और निरंकारी ग्राउंड पर भी एक बड़ी संख्या में किसान जुटे हुए हैं, और इसके साथ साथ आपसे जानना चाहेंगे जो आम लोगों के लोग हैं उनके लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, और साथ ही साथ जो आंदोलनरत किसान हैं उनके लिए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम आप देख पा रहे हैं? देखिए, अगर किसानों की बात करें, किसान आंदोलन की बात करें, तो निरंकारी मैदान में जहां पर सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से किसानों को जगह दी गई थी, वहां पे बड़े बड़े टेंट जो हैं वो आंदोलनकारी और प्रदर्शनकारी किसानों के लिए लगाए गए हैं। हालांकि अगर आम जनता की बात करें तो जो रोड पर रहते हैं उनके लिए रैन बसेरों का इंतजाम जो है वो दिल्ली सरकार ने पहले से ही किया था, क्योंकि कोविड की वजह से एक रैन बसेरे पहले से ही चल रहे थे दिल्ली में कई जगहों पर। हालांकि अगर उनकी हालात की बात करें तो वहाँ पर अभी गर्म सामान या गर्म चादर की बात करें तो अभी उतनी संख्या में नहीं है जितने लोग जो हैं वो रैन बसेरों में आ रहे। तो कहीं ना कहीं प्रशासन अपनी तरफ से तैयारी पहले से ही कर रहा है, और क्योंकि अब धीरे धीरे ठंड की शुरुआत हो रही, तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि दिल्ली सरकार और ज़्यादा रैन बसेरों को लेके चुस्त और दुरुस्त हो और रैन बसेरों की व्यवस्था के ऊपर अपनी नज़र जमाए और वहाँ पे कंबल और दूसरे जो ठंड से बचने के सामान हैं उनका इंतजाम जो है वो किया जाए। फिलहाल अगर आज की बात करें तो या कल रात की बात करें तो रैन बसेरों में कंबल थे, लेकिन लोग जो हैं वो बहुत कम तादाद में रैन बसेरों में थे, ज़्यादातर लोग जो है तो वो फुटपाथ पर ही सो रहे थे। इसके अलावा कई एनजीओज ने और कई राजनीतिक पार्टीज़ की विंग ने भी जो है अपनी तरफ से कंबल बांटने के काम जो है वो पहले से ही शुरू कर दिए। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग और आप सभी लोग नजर बना रखिए, आप सभी से अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें यहाँ पर ठंड का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है, तस्वीरें भी लगातार भारत समाचार अलग अलग शहरों की आप तक पहुँचा रहा है, और साफ तौर पर आप देख सकते हैं।